हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेके विजन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खूब बढ़िया होंगे। दोस्तों, शिक्षा वो हथियार है जिससे किसी के भी मुंह पर ताला लगा जा सकता है और कहीं भी अपनी धाक बजाई जा सकती है। यही वजह है कि अच्छी एजुकेशन के लिए आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की मोटी फीस उनकी दम निकाल देती है। क्या आप भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं? अच्छी एजुकेशन के लिए अगर आप भी विदेशी देशों की यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, तो आज की हमारे वीडियो आपके लिए दे बेस्ट है, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की 5 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां शिक्षा मिलती है मुफ्त। तो चलिए जल्द से अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दुनिया के उस देश की जो अपने यहाँ आने वाले हैं छात्र को बिल्कुल फ्री में एजुकेशन देता है, और सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, छात्रों को बिल्कुल मुफ्त में एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, साथ ही उन्हें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है। जर्मनी जितना खूबसूरत देश है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी उतना ही एडवांस और हाई क्वालिटी का है, और यही वजह है कि भारत समेत दूसरे देशों के छात्रों में जर्मनी जाकर पढ़ने की उत्सुकता बनी रहती है। जर्मनी शुरू से ही आविष्कारों का देश रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोर की दासा रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी सबसे इनोवेटिव देश है, और इसमें जर्मनिक यूनिवर्सिटी इस अहम रोल निभाती है क्योंकि यहाँ रिसर्च काफी मजबूत है। इस देश में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है, जिनमें लुडविल मैक्समिलियन यूनिवर्सिटी, म्यूनिक के टेक्निकल कॉलेज, हिटलबर्ग यूनिवर्सिटी, बर्लिन के हम्बोल्ट विश्वविद्यालय शामिल है। अपनी कम फीस और अच्छी फैसिलिटीज के चलते ट्यूशन फीस में छूट, करियर में शानदार मौके, फ्री कोर्स, इंटरनेशनल डिग्री प्रोग्राम और भी बहुत कुछ, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज का दुनिया में काफी नाम है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जर्मनी की 47 यूनिवर्सिटीज दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में शामिल है। जर्मनी में विदेशी छात्र करीब 2000 ऐसे कोर्सेस में से अपनी पसंद का कोर्स चुन सकते हैं जिनके पढ़ाई अंग्रेजी में कराई जाती है, इसलिए यहाँ जर्मन भाषा भी समझ जरूरी नहीं। हालांकि जर्मन भाषा को सीखने में फायदा आपका ही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद छात्र 18 महीने तक जर्मनी में नौकरी ढूंढने के लिए रुक सकता है। जर्मनी इंडस्ट्रियल इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर है, इसलिए यहाँ हर समय इंजीनियर्स की कमी रहती है। साथ ही यहाँ कई ऐसे शहर है जहाँ होली और दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, जिसके कारण यह भारतीयों के लिए तो बेहतरीन डेस्टिनेशन है। दोस्तों, जर्मनी एक ऐसा देश जहां दुनिया के पहली मैगजीन लॉन्च किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा कांशा हिटलर भी इसी देश से था, और पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक फेंटा इसी देश में बनाई गई, दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी इसी देश में मौजूद है, जबकि दुनिया के सबसे महंगी कार कंपनी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जबांज, फॉक्सवैगन ये सब इसी देश की कंपनी है। दोस्तों, नॉर्वे वो देश है जो आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जो दूसरे देशों से आए छात्रों को मुफ्त एजुकेशन के साथ साथ दूसरी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। नॉर्वे कैसा देश है जो शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देता है, और सिर्फ बाहरी देशों के छात्रों को ही नहीं, अपने देश के छात्रों को भी फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफी अच्छा माना जाता है, इतना है कि हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स इस देश में पढ़ाई करने के लिए पहुँचते हैं। नॉर्वे में एक पब्लिक यूनिवर्सिटी भी रजिस्टर्ड है, जहां सभी छात्रों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो या किसी भी देश का, सभी को मुफ्त में एजुकेशन दी जाती है, मुद्दी हाई क्वालिटी की। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आप नॉर्वे के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉर्वेनियन लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, क्योंकि यहां के ज्यादातर कोर्सेज आपको नॉर्वे की भाषा में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, यह आप अंग्रेजी भाषा में भी आसानी से समझ सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ कुछ कोर्स के लिए दूसरे देश के छात्रों को हर सेमेस्टर के हिसाब से देश से 7 यूरो देने पड़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ एकादुका कोर्सेज के लिए ही है। बात ये देश में आप ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। नॉर्वे की पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनमें बर्कन यूनिवर्सिटी, आर्कटिक यूनिवर्सिटी, नॉर्वेनियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, ऑस्टू यूनिवर्सिटी और नॉर्वेनियन यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज शांगल है। दोस्तों, नॉर्वे को कहा जाता है उजाला का देश, क्योंकि आपको यहाँ आधी रात में भी सूर्य की रोशनी दिखाई दे सकती है। यहाँ आपको कुदरत का ऐसा करिश्मा दिखाई देगा जो कहीं और ही नहीं है। एक स्टे इस स्वीडन। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है स्वीडन, जहाँ पर भी
पढ़ाई करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में छात्र पहुंचते हैं, क्योंकि स्वीडन का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया और सस्ता माना जाता है। स्वीडन में छात्रों को कई यूनिवर्सिटीज मुफ्त की शिक्षा भी लेती है। यहाँ छात्र कई विषयों में हाई एजुकेशन लाभ कर सकते हैं। लुंड विश्वविद्यालय, चलमर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी और गोथेनबर्ग जैसी यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। आपको बता दें कि फिलिपन यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में स्वीडन के कॉलर आर्ट यूनिवर्सिटीज शामिल हैं, जिनमें से 5 यूनिवर्सिटीज को 200वें स्थान मिला। विशेषताओं के साथ स्वीडन की यूनिवर्सिटीज नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उत्पन्न न करने के लिए भी जानी जाती रही है। स्वीडन में बाहरी छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ काम करने की भी इजाजत है और आप जितना चाहे उतने घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी होगी। और हाँ, ये भी जान दीजिए कि स्वीडन की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में कारियर सर्विस की सुविधा उपलब्ध है, जो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम ढूंढने में मदद करती है। अगर पढ़ाई के बाद स्वीडन में रहकर काम करना चाहे तो 6 महीने के लिए रेजिडेंस परमिट की अवधि को बढ़ाने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस टाइम ड्यूरेशन में काम मिल जाने पर आप वर्क परमिट भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी एजुकेशन और उसके बाद जॉब के मामले में स्वीडन सबसे बेस्ट है, और अभी तो 2 देश बाकी है। वैसे स्वीडन की बात करें तो ये एक ऐसा देश है जहां पर लगभग 70% जमीन जंगलों से भरी हुई है, और ये उन देशों में शामिल है जहां लगभग 100 दिनों तक रात नहीं होती है। ऑस्ट्रिया का नाम 4वें नंबर पर आता है, क्योंकि इस मामले में ये 2 कदम आगे है। यानी ऑस्ट्रिया बहुत ही समझता है कि किसी छात्रों को उसका भविष्य बनाने के लिए किस तरह सपोर्ट करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रिया में पढ़ाई करने के बाद आपको नौकरी की भी खास टेंशन नहीं रही। यहाँ यूनिवर्सिटी से ले गई डिग्री आपको चुकियों में कहीं भी जॉब करने का अवसर दिलाएगी। साथ यूनिवर्सिटीज कई बार प्लेसमेंट्स भी देती है। UK और USA के बाद ऑस्ट्रिया में दूसरे देशों से आए छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसके पीछे ऑस्ट्रिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ही है, जिसे कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स द्वारा पसंद किया जाता है। ऑस्ट्रिया एक ऐसा यूरोपीय देश है जो अपनी कम ट्यूशन फीस, अच्छी एजुकेशन और गई फीस। अगर आप ये फीस भी नहीं देना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया खबर ये है कि आप ऑस्ट्रिया स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री, जी हाँ, एकदम फ्री में एजुकेशन देने के रास्ते पर है। इसके अलावा स्कॉलरशिप आपको सपोर्ट करेगी, साथ यहाँ की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए बुक्स तक बिल्कुल मुफ्त में मिलती है, और साल्जबर्ग यूनिवर्सिटी में कोर्सेज चेक कर सकते हैं। मुफ्तिया बहुत कम फीस में आपकी पढ़ाई के सपने को साकार करने वाली यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनमें वियना यूनिवर्सिटी, ग्राजू के मेडिकल कॉलेज, जिप्लागनफोर्ट विश्वविद्यालय और वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है। चूंकि ऑस्ट्रिया बहुत छोटा देश है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ऐसे में देश की तरक्की करना लाजमी बात है। यहाँ के बच्चे जन्म होने की 4 साल बाद गवर्नमेंट खुद ही बच्चे का नाम स्कूल में धाती है। और पड़ा पर प्रास 22 ने काम के 5वें नंबर पर जिस देश का नाम आता है वो है प्रास। प्रास मुफ्त या बहुत फीस पर शिक्षा वाले देशों में 5वें नंबर पर है। पर कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ दिया जाए तो फ्रांस की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो मुफ्त की शिक्षा देती है। आप तो जानते ही है कि फ्रांस कितना विकसित देश है। इसे दुनिया में रिसर्च के सबसे एक बेस्ट प्लेस माना जाता है, जहां हर साल लगभग 3 लाख छात्र आते हैं, जिनमें रिसर्च करने के लिए आए छात्रों की संख्या भी अच्छी होती है। फ्रांस एजुकेशन के महत्व को समझाता है, और साथ ही वो ये भी समझाता है कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आने वाले समय में दुनिया को ही लाभ मिले। यही ये वजह है कि यहाँ यूनिवर्सिटीज में दूसरे देशों से आए छात्रों को स्कॉलरशिप भी मुहैया। साइंस, एथलेटिक्स, पोल पॉलीटेक्निक, सॉर्बन यूनिवर्सिटीज, सेंसवल, सुपेलेक जैसे ही कुछ विश्वविद्यालय हैं जो आपको बहुत कम फीस में शिक्षा का लाभ देंगे। इससे भी बेहतर बात तो ये है कि यहाँ की कई यूनिवर्सिटीज तो छात्र की राष्ट्रीयता की प्रभाव के बिना 17,000 से लेकर 34,000 जो तक की रजिस्ट्रेशन फीस ले दी है। आपको बता दे कि फ्रांस में तकरीबन 87 यूनिवर्सिटीज और लगभग 300 प्रतियोगी शिक्षण संस्थान है। फ्रांस में पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ फ्रांस ही नहीं, बल्कि इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी काफी अच्छा है। आपको बता दे कि फ्रांस दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वही हाई एजुकेशन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पसंद में से 4था स्थान प्राप्त है। यहाँ करे 85 पब्लिक और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का वो 5 देश जहाँ एजुकेशन बिल्कुल बफत है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की